मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको इंडिया थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है ऑलमोस्ट एक दो स्टेट कब्जे में करके बैठा हुआ है चाइना वो नहीं छुड़ा सकता आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा उनकी पावर देखें आपको पाकिस्तानी बनना पड़े वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में और दूसरी बात यह है कि हमें हमें पाकिस्तानियों को आ, इंडिया को इंडिया जो है वो हमें पता है वो पता हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे अमेरिका में तो इससे पाकिस्तानी आइसोलेट हो वहां मेन स्ट्रीम ना हो क्या ये फैक्टर दोनों पाए जाते हैं यहां पे आपको इथियोपिया एथियो, के कांग्रेसमैन मिल जाते हैं इस वक्त पांच छह इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन है यहां की आप जितनी बड़ी फॉर्चून फाइव कंपनीज गूगल है माइक्रोसॉफ्ट है मास्टर कार्ड है इन सबके सीओ इंडियन है वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है वहां एक काउंसलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी ये लम्हा फिक्री है एक दूसरा उसमें मैं ये कहूंगा जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे इस वक्त अमेरिकन इंडियंस इंडियंस और इंडिया में रहने वाले दे आर इन आप आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहां पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो हालात हैं निक्की हेली बाबी जिंदल और जिस तरीके से कंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है पाकिस्तानी नहीं है वो सवाए एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाईयों पे ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके और वो, इनको सीखना यह चाहिए आपके लिए एक छोटा सा इशारा है आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखे शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा आप ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें शाम को आपका आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा उनकी पावर देखें आप इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं आपके बड़े बड़े बड़ेदान और बड़े बड़े के लोग फिफ्थ जनरेशन वॉर हाइब्रिड वॉर तो आप तो वो वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं आपको तो आपके तो फेसबुक का अकाउंट ही सब किसी के हाथ में आपके तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे हाइब्रिड वॉर में और आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं ये क्योंकि मैं देख चुका हूँ ये बिल्कुल ये मैं क्लियरली देख रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूँ पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में देख रहा हूँ जिस तरह हमारे आ, दुश्मन मुल्क भारत ने पूरी दुनिया में अपना क्लाउड बनाया क्लाउड बनाना पड़ेगा अपनी सॉफ्ट पावर अपना कल्चर इन चीजों को प्रमोट करने पड़ेगा और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका ट्विटर हैंडल और आपका फेसबुक ही हमारे हाथ में नहीं है हमें जब मर्जी वो वहां से बैठ के सस्पेंड कर दें तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये लॉन्ग टर्म गेम है क्योंकि अभी चीन और भारत की लड़ाई में चोर साहब जो बात सामने आ रही है वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है लड़ाई तो होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये तो लड़ाई कहीं और होनी है तो वहां पर आपकी बात बिल्कुल सही है उसी पर थोड़ा सा एक, ए, ए, एक, बात बताऊंगा सर इंडिया कुछ थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है ऑलमोस्ट एक दो स्टेटिंग कब्जे में करके बैठा हुआ है चाइना वो नहीं छुड़ा सकता चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे और अगली बात बताना चाहता हूं आपको चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं। और मैं और उसके बाद ये है एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए दस हजार मील अपनी जंग लड़ रहा हो आप मुझे ये दे बता दें सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे एक है सिर्फ और वो कहा है जबूती में

एक तो ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के एक हेड थे वो आए जो ट्रकिंग के साथ थे कि वो कह रहे थे कि ग्वादर तक ट्रकिंग जो सारी आएगी चाइना की आएगी तो फिर हम कहा जाएंगे दूसरा एक दफा मेरे साथ यहाँ रोने कुछ लोग आए कि चाइना पाकिस्तान में चाइनीज को पा, पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने की राइट्स दिए जा रहे हैं उसको नेगोशिएट किया जा रहा है इसको रोका जाए तो ये मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं मेरा पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है कोई इन्फ्लुएंस नहीं है लेकिन देखें जो फैसला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी है उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा लेकिन अफसोस की बात यह ना जिस तरह मैंने अर्ज किया आपको कि आपके हर स्टेब्लिशमेंट के बंदे का बच्चे कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन उनको उन पाकिस्तान में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते फैसले किस तरह करेंगे पाकिस्तान मैं वैसे यहाँ पे आपसे थोड़ा डिफर करूंगा मैं समझता हूँ कि देखिए इसके दो तीन पहलू हैं लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान की प्रेजेंस इन वॉशिंगटन डीसी मैं बड़ी दफा दोबारा रिपीट करूंगा पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन डीसी में एटलीस्ट पचास साल पीछे चाइना ब्लॉक में चला गया जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है बहत्तर तिहत्तर साल के रिलेशनशिप को यकलोल्ड नहीं करते आखिरी विंडो खुली रखते हैं ब्रिजेस बर्न नहीं करते और दूसरा मैं ये कहूंगा मैं बल्कि ये भी एक इस पर भी एक प्रोग्राम हो सकता है आ, अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी दी है एड दी है ग्रांट दी है चाइना जब भी देता है लोन देता है और उसके टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप नेशनल असेंबली में डिस्कस भी नहीं कर सकते वजह सबसे बड़ी क्यों हम गए हैं वहां चाइना वो किक बैग्स है आप टर्की क्यों गए हैं किक बैग्स हैं आपकी सारी लेबर जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही हैं आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं आप मैं, मुझे इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी टर्कश कंपनियों को दिया जाता है अपनी लेबर धक्के खा रही है सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट में आप खुद समझ जाए आप ब्लेम डोनल्ड ट्रंप कर, कर सकेंगे आप सही आप है, आप है। करना पड़ेगा आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते आप चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा आपको अपनी फाउंडेशन ठीक करनी पड़ेगी वाहिद मुलक है जो इस्लाम के नाम पर बना और तीसरी सबसे बड़ी बात एक ऐसी पार्टी रूलिंग है जिसका नाम ही तारीख इंसाफ है इंसाफ किया दो साल में इस पार्टी ने चाहिए आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा आपको पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा तब पाकिस्तान बचेगा आपकी स्टैब्लिशमेंट आप मुझे छोटी सी पूछ तो बात कोई लड़का बीएससी करे अभी बीएससी करता है किसी चीज में अच्छे सब्जेक्ट में फॉरन ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है वो फॉरन कैनेडा भाग जाता है वो आपके एस्टेब्लिशमेंट मुझे ये बताएं आपके 18 18 19 19 ग्रेड के अफसर हैं उनके बच्चे बच्चों की फीसें अमेरिका में किस तरह दी जाती है मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे आपकी सारी एस्टेब्लिशमेंट की बी, उनके बच्चे बीविया फॉरन नेशनल कैनेडियन सिटीजन है आपके सिर्फ सोलह लोग नहीं बाहर से गए आपकी सर स्टैब्लिशमेंट आपके जितने पैसे वाले हैं सर सबके बच्चे और बीवियां फॉरेन सिटीजन हैं आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय हिंद